हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त सुमेत सेठी, एक बार फिर नया वीडियो और नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर आप वीडियोस चाहते हैं माइंडसेट मोटिवेशन, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, और ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, बेशुमार कमाना चाहते हैं, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको बेल आइकन को टन क्लिक करो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए इन टॉपिक्स पे लेके आ रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आपको हर एक वो वीडियो जिसकी आप सर्च कर रहे हो, तलाश कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग, माइंडसेट मोटिवेशन और ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, आपको वो हर वीडियो दूं। ओके, क्योंकि मेरा एक एम है, वो क्या है कि आपकी सक्सेस ही मेरा मेन मकसद है, मेरी मेन एम है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी ठान के इस इंडस्ट्री में है, जो माइंडसेट के साथ, जो सपने लेके इस इंडस्ट्री में है, आपके वो हर एक सपना पूरा हो। इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेड ट्रैफिक और फ्री ट्रैफिक, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, दोनों में से हमें कौन ज्यादा पैसा देगा। लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों ही बहुत बढ़िया भाई। आपको ट्रैफिक चाहिए, ये चीज अलग है, आपको मेरे क्या चाहिए, ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब आपकी दुकान पे ग्राहक आया, उसने सामान लिया और आपको पैसा देके गया। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। हाँ, दोनों में कुछ अंतर ही है, ये थोड़ा फास्ट है, ये थोड़ा स्लो है, ये फर्क है इसमें। अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, इंस्टेंट अमीर होना चाहते हो, तो यहां पे फोकस करना पड़ेगा। अगर स्टेप बाय स्टेप कुछ पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है और जेब में से पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आप इस चीज पे काम कीजिए। हालांकि आपको काम दोनों पे करना है। ओके, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने एक शॉप खोली है, अपने शहर में खोली है, एक कपड़ों की दुकान खोली, बड़ी बहुत बड़ी दुकान खोली है, बहुत बढ़िया फिटिंग शिटिंग की है, लाइटिंग शेटें लगाई हैं, बहुत बड़ी इंतजाम की और बड़ा कपड़ा वहां पे रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? अब लोगों को तो पता नहीं है दुकान खोली है, बस आपको पता है और आपके दो चार दोस्तों को पता होगा। तो आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, आप एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, आप लोगों को वहां पे बुलाएंगे, दुकान की ओपनिंग सेरेमनी में बुलाएंगे, भी हमने यहाँ दुकान खोली है, भी आओ यहां से कपड़ा लो, चाय पानी पी के जाओ और हमें पैसे कटवा के जाओ। सिंपल सा फंडा है। ओके, तो आप क्या करेंगे? फ्री ट्रैफिक सोर्सेज ढूंढेंगे, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए क्या करेंगे आप फेसबुक का यूज करेंगे, इंस्टाग्राम का यूज करेंगे, व्हाट्सएप का यूज करेंगे। तो आप जो भी अपने लोकल आपके एरिया के आसपास लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको बोलोगे भी आप हमारी दुकान पे आओ, अच्छा खाना खा के जाओ, सॉरी चाय पानी पी के जाओ और कपड़ा लेके जाओ। तो आप उनसे बड़े प्यार से पेश आएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? फ्री ट्रैफिक सोर्सेज पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपको सेल तेजी से चाहिए और तेजी से ट्रैफिक चाहिए, तो आप क्या करेंगे? पूरे शहर में बैनर्स लगवाएंगे, पैम्फलेट्स बंटवाएंगे, किसी लोकल केबल में ऐड देंगे, किसी टीवी चैनल के थ्रू ऐड दे सकते हैं अगर आपका शहर बहुत बड़ा है। तो आपको पे ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक जट से आपकी दुकान की ओर बढ़ेगा, तो वो आपको पैसा देगा। तो चाहिए तो हमें ट्रैफिक, ये थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा फास्ट है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की, ऑनलाइन मार्केटिंग की। मान लीजिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको ट्रैफिक चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? फ्री में पैसा लगाना चाहते नहीं आप, तो क्या होगा भाई? तो आप, मैंने एक वीडियो बनाई है ना फ्री ट्रैफिक सोर्सेज, तो आप वो वीडियोस देखिए, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी फ्री ट्रैफिक सोर्सेज है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोरा है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, तो आप उनको यूज कीजिए, यूट्यूब को यूज कीजिए, तो फ्री ट्रैफिक जो ट्रैफिक आ रहा है आपके इन चैनल्स के ऊपर, आप ड्राइव कीजिए अपनी वेबसाइट की ओर, अपने एफिलिएट लिंक की ओर, तो आप वहां पे कच्चा माल बेच सकते हैं। तो अगर आपको पे ट्रैफिक चाहिए, तो आप गूगल एडवर्ड्स उसको यूज कीजिए, फेसबुक ऐड को यूज कीजिए, इंस्टाग्राम ऐड को यूज कीजिए, पिंटरेस्ट ऐड को यूज कीजिए, लिंक्डइन ऐड को यूज कीजिए, आप इन सभी ऐड को यूज कर सकते हैं, बिंग ऐड को यूज कर सकते हो आप, गूगल एडवर्ड्स मैंने आपको बताई दिया, तो सबको आप यूज कीजिए भाई, आप सब चीज को यूज कीजिए और इंस्टेंट ट्रैफिक खींचिए। मगर मैं आपको चीज बता देता हूं कि अगर आप कोई भी शुरू में एड कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको नुकसान हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नुकसान होता भी है, क्योंकि 80% एड कैंपेन फेल हो जाते हैं। आपको कस्टमर को लुभाना है, कस्टमर को आकर्षित करना है। कई बार क्या होता है कि शुरू शुरू में हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं, हमारी कोई ऐड काम नहीं करती है, तो फिर एक्सपीरियंस से हम एक बढ़िया सी ऐड तैयार करते हैं, तो वो ऐड को हम चिपकाते हैं लोगों की वेबसाइट्स के ऊपर, गूगल के थ्रू करते हैं, गूगल अपना एडवर्ड्स के थ्रू करते हैं, फेसबुक के थ्रू करते हैं, तो लोगों को ऐड पसंद आ जाती है, तो आपका माल जट से बिकना शुरू हो जाता है। तो यहां पे अगर आपके पास पैसा है लगाने के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि विद एक्सपीरियंस आपको जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलेगा। ये अच्छी बात है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है, वो आदमी बहुत लकी है जिसको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, बट लॉन्ग टाइम तक वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज विद एक्सपीरियंस आती है। तो अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मान लीजिए आपके आपके पास एक बजट है कि आपकी जेब में पड़ा हुआ 5,000 रुपए,
तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई सबसे पहले 500 रुपए आप ट्राई करो गूगल एडवर्ड पे, 500 ट्राई करो फेसबुक पे, 500 ट्राई करो इंस्टाग्राम पे, देखिए कहां से ट्रैफिक ज्यादा आता है और जो आपने कैंपेन चलाया क्या वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो साथ में आपको फ्री ट्रैफिक पे तो काम करते रहना, इसको नहीं छोड़ना भाई आपने, ये लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत बड़े रिजल्ट देगा। मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है, तो वो एसईओ के थ्रू ऊपर तो आ रहा है, लेट आता है, कोई बात नहीं, 5-6 मिनट लग जाएंगे, 6-7 मिनट लग जाएंगे, बट चीज तो फ्री की है ना, फ्री का माल क्यों छोड़ना, क्यों छोड़ना भाई, तो चीज तो फ्री की है ना। फेसबुक पे ऐड करते रहो, इंस्टाग्राम पे ऐड करते रहो, लगातार करते रहो, व्हाट्सएप पे ऐड करते रहो, ट्विटर पे ऐड करते रहो, लिंक्डइन पे ऐड करते रहो, लगातार ऐड करते रहो, तो उससे नुकसान क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो चीज फ्री की है, मगर पेड ट्रैफिक आपको जेब हल्की सी खाली करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा, हो सकता है पर एकदम से ज्यादा पैसा मत लगाइए, धीरे धीरे पैसा इसमें लगाइए, बट आपको ट्रैफिक जो है इसमें इंस्टेंट मिलेगा। बाहर ट्रैफिक हो रही दुकान पे ग्राहक की चाहिए, ग्राहक आपको ये दोनों चीजें देंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर नहीं समझे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि वो फ्री ट्रैफिक के ऊपर बहुत कम काम करते हैं, उनका जो मैक्सिमम फोकस होता है वो पेड ट्रैफिक के होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो बहुत कुछ विद एक्सपीरियंस सीख चुके हैं। और हमसे ऐसे लोग जो नए नए लोग इस मार्केट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार नहीं, मुझे इंस्टेंट सेल चाहिए, मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए, मैं आज की रात ही अमीर होना चाहता हूं, मुझे आज की रात ही इतनी सेल चाहिए। तो वो पेड ट्रैफिक पे काम करते हैं, शुरू शुरू में रिजल्ट नहीं आते, जेब खाली हो जाती है, जितना उनका बजट था वो खत्म हो जाता है, वो कहता है ये तो काम ही नहीं करता, इसको छोड़ो चलो घर को। नहीं, आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी से बनानी है। तो मैं जल्द एक वीडियो भी लेके आऊंगा जल्दी जल्दी पेड ट्रैफिक के ऊपर कि आप एड कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, तो आप उससे भी सीखिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आया हूं। आप मेरे चैनल पे वो सारी वीडियोस देखिए, वो वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि ये मेरा मकसद है कि मैं आपकी सक्सेस चाहता हूं ऑन एनी डैम कॉस्ट। यू मस्ट हैव टू बी सक्सेसफुल, और उसके लिए मैं कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। आपको जो टॉपिक चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोशिश करूं कि जल्द से जल्द उस पे वीडियो बनाऊं। देखिए मेरे दो चैनल हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है चाहे वो इंग्लिश में चाहे वो हिंदी में, आप दोनों देख सकते हो, ओके। क्योंकि मैं देखिए मैं डबल मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं डबल मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे अगर इंडिया की भाई बहन जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो भाई हिंदी से सीख लें, बट कामयाब पक्का हो, कामयाब पक्का हो, जो भी मकसद लेके हैं वो मकसद पूरा हो, एक भी भाई बहन छोड़ना नहीं चाहिए। सो आप दोनों ट्राई कीजिए, पॉकेट लॉक करती है तो सिस्टमेटिक वे से स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लानिंग के साथ पेड ट्रैफिक चलिए, और अगर पॉकेट लॉक नहीं करती है तो फ्री ट्रैफिक पे काम कीजिए। यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ पे पेपर क्लिक है, गूगल एडवर्ड्स है, फेसबुक एड है, इंस्टाग्राम एड है, लिंक्डइन एड है, पिंटरेस्ट एड है, बिंग एड्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, आप किसी बीच वाली पार्टी जो मार्केटिंग कैंपिंग करती है आप उसको पैसा देके पेड ट्रैफिक ला सकते हो। तो नंबर ऑफ सोर्सेज है, बट पैसा लगाना पड़ेगा, सिंपल सा ये फर्क है भाई, आपको समझ आ गया ना, गुड शाबाश। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट टुडे वीडियो, मगर मैं आपको फिर एक ऑफर देता हूं कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और खूब सारा पैसा कमाना है, पैसिव इनकम चाहिए, आई हैव अ प्रोडक्ट फॉर यू। उसके दो फायदे हैं, पहला फायदा एक तो आपको सभी मार्केटिंग टूल्स जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए, ईमेल ऑटोरिस्पोंडर, वेबसाइट, ब्लॉग्स, लैंडिंग पेज, ब्रिज पेज, जो भी आपको चाहिए वो सारा उसमें मिलेगा, ओके। दूसरी बात, अगर आप उसको प्रमोट करते हो तो आपको 100% कमीशन, 30% कमीशन रेकरिंग पर मंथ प्लस कार बोनस सब कुछ भी आपको मिलेगा, ओके। तो अगर आप वो प्रमोट करना चाहते हो तो 7 डेज का फ्री ट्रायल है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, तो रजिस्टर्ड होने में कुछ नहीं जाता भाई, फ्री में रजिस्टर्ड हो लो, फ्री की चीज छोड़नी नहीं चाहिए, समझे बात आप। तो ये चीज आज के बारे में, नए टॉपिक में फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट फैंटास्टिक एंड एनर्जेटिक डे।